देश के इतिहास में इको टूरिज्म और पर्यावरण संतुलन के साथ प्रदेश सरकार की शुरू की गई ग्रीन पथ साइकिल हाईवे योजना का आज लाइन सफारी से उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि अभिषेक मिश्रा ने देशी विदेशी साइकिलिस्ट के साथ साइकिल चलाई और प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया, हौसला अफजाई की। आपको बता दें, सफारी पार्क से शुरू होकर आगरा तक जाने वाली इस ग्रीन पथ की लंबाई 207 किलोमीटर है, जिसमें 47 किलोमीटर के क्षेत्र में इटावा के कुल 92 गांव को शामिल किया गया है। इटावा में आगरा के बीच 207 किलोमीटर का एक साइकिल एक्सप्रेसवे, साइकिल हाईवे इनॉग्रेट हुआ है। ये दुनिया में आज तक कहीं भी, जितना हम लोगों की जानकारी है, कोई ऐसा एक्सप्रेसवे नहीं बना जो कि सिर्फ साइकिलिस्ट के लिए हो। ये एक नई सोच है, एक नई पहल है। ये जो उत्तर प्रदेश का हिंटरलैंड है, जहां वो जिस तरह रहता है, जिस तरह जीता है, जिस तरह खाता पीता है, जिस तरह सोचता है, जो नदियां हैं हमारी, नदियों के जो रवीन्स हैं, जो हमारे गांव हैं, उनके बीच होकर के गुजरेगा। 207 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, जिसमें 92 गांव, 92 विलेजेस इसके पेरिफेरी में, इसके कॉन्टेक्स्ट में इसको टच करते हुए जाएंगे। आज 5 देशों से, 12 राज्यों से हिंदुस्तान के जो नेशनल साइकिल विनर्स हैं, वो सब लोग इकट्ठा हुए हैं। Very nice to come here to India, and it's my first time here, and it's really exciting to do this cycling. It's a lot of traffic in India, so I hope this is a good way to bike, and it's not so many cars where we will bike, I hope. यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और हम, मुझे प्राउड है, यूपी गवर्नमेंट ने साइकिल रोड वेज बनाया, एक हाईवे न्यू तैयार किया। मैं इधर ही 4 साल से प्रोफेशनली हूँ। मैं बेस्ट साइकिलिस्ट का अवार्ड मिला 2016 में मेरे को। बहुत ही अच्छा, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इवेंट इन्होंने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है यूपी गवर्नमेंट ने, और ये भारत का सबसे पहला साइकिलिस्ट हाईवे बनाया गया है जो 250 किलोमीटर लंबा है। सो इससे यूपी टूरिज्म को बहुत ही अच्छा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि दिल्ली आगरा से बहुत सारे साइकिलिस्ट यहाँ पे आए गए ये हाईवे पे स्पेशली चलाने के लिए। मुख्य अतिथि अभिषेक मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया है। 207 किलोमीटर की लंबी यात्रा के लिए एक्सप्रेसवे बनाया गया है। देश के इतिहास में इको टूरिज्म एंड पर्यावरण संतुलन के साथ प्रदेश सरकार की शुरू की गई ग्रीन पथ साइकिल हाईवे योजना का आज उद्घाटन हुआ है।